पिंक में, ये देखना ना किसका, ये देखो ये वाला डॉट आ गया। बाकी बाकी आपकी समझ है, आप अपनी समझ से लेना चाहें तो बच्चा ले सकते हैं। दो बच्चे ये खड़े हैं, ये भी पता कर लेते हैं भाई से, बोला क्या पैसे मांग रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शहज़ेब आरिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SSTV। तो आज है इतवार का दिन और 8 मुहर्रम, इतवार का दिन है, मंडी लगी हुई, लेकिन मुहर्रम की वजह से कोई इतना ज़्यादा माल नहीं आया हुआ, तो जो आया हुआ है उसके रेट्स आपको मालूम करता हूँ, ले देता हूँ और नंबर भी आप लोगों को लेकर दूंगा। लेकिन फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक ही नंबर है और साउथ का एक ही नंबर है, हम दोनों का इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। और मंडी में अगर आप किसी भी व्यापारी से डील करते हैं तो भाई इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हम सिर्फ नंबर देते हैं ताकि आप लोग जिसको लेना हो ले सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी पहले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं। और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। बहुत मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए और जल्द अज़ जल्द जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करें, बल्कि आप सपोर्ट करें, मदद क्या करें, सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब आप लाजमी कर दें ताकि इसमें आपका कुछ लगना तो है नहीं, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इतवार के दिन की सूरत हाल कैसी है। जी वीडियो का करते हैं स्टार्ट और जानवर आप लोगों को दिखाता हूँ जो मंडी में है। मेरे को इतना ज़्यादा माल आज नहीं है मुहर्रम की वजह से, तो जिनको मैंने बताया कि मुहर्रम की वजह से माल नहीं आएगा तो थोड़ा सा अच्छा फैसला था, जो नहीं आए इतना ज़्यादा माल नहीं है, तंगी होती आप लोगों को। तो ये बछड़ी खड़ी है उम्र की, इसके पता नहीं 170-180 कल ऐसे डिमांड थी, खीरी है बच्ची ये वाली, ये देख लो आप। और ये वाला बछड़ा भी उम्र गई है, उम्र बंदा खड़ा नहीं है, अभी खड़ा हुआ था तो काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी पता नहीं ऊपर ऊपर नीचे हो कहीं इधर उधर हो गया। तो ये माल उसका खड़ा हुआ, दोनों बछड़े चेक करो आप, ये बैक से भी देख लो, बछड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा उसके सींग निकले हुए हैं और क्या कहते हैं मुँह थोड़ा सा लंबा गुलाबी में, नुकरी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कुर जो है वो ब्लैक हैं तो गुलाबी कहना बेहतर रहेगा इसको, तो मुनासिब आप अपनी समझ से लें। दो एक मन की बछड़ी होगी और ये वाला जो बछड़ा है तकरीबन ये होगा तकरीबन 6.5 मन प्लस में। तो ये रेट्स वगैरह जो है वो उमर भाई से आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी इधर भी माल खड़ा हुआ है, ये हैं मेरे ख्याल में सदीकुल्ला भाई के दोनों बछड़े, ये दो और एक और भी है उसका, वो दिखाता हूँ आपको दांतों में भी। रेट्स थोड़े से पता नहीं इनके अप होंगे नॉर्मल होंगे क्या होंगे, रेट्स आपके सामने मैं बता देता हूँ अभी। ओ भाई ओ, अभी ये शूटर आ रही थी सीधी सीधी बच गई है, मेरा ऊपर वाला सांस ऊपर रह गया अभी। फिर यार बड़ा डर लगता है इनसे, कुछ सीधी टक्कर पड़ जाए तो बड़ा काम खराब है। सदीक भाई लाला क्या मांगते मैंने पैसे, खीरा डुंदा ऊंचा बोलो, खीरा 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 बच्चा है। बनसी कितने था सदीक भाई, वो कम करो भाई, ये जायज जायज गाल कर दो, कोई फोन करे से दवा लगू पैसा देना, वो 10-8 सा मांग दे ते उंदा 6.5 बेगड़े हैं अपने, अच्छा 6.5 लाख रुपया इस बच्चे की डिमांड है और ये भी खी रही होगा अभी, 4 लाख रुपये डिमांड है इसकी। गुलाबी बच्चा है ठीक है लेकिन 5 मन में होगा मीट में, 4 लाख रुपये डिमांड आपके सामने यार, आप अपनी समझ से ले सकते हो। मेरे हिसाब से 2.5 का 2.75 का होना चाहिए था और ये बच्चा थोड़ा सा मजीद अच्छा है ठीक है। और उसके पैसे उसने बहुत ज़्यादा मांगे, 6 लाख रुपये पिंक नोज में बच्चा है, ये भी होगा तकरीबन 5.5-6 मन के करीब करीब, चीज़ अच्छी है तो डिमांड इज टू मच। ये दोनों बछड़े पूरी एक ही क्लिप में ले आया हूँ ठीक है, ये बच्चा अच्छा है लेकिन पैसे भी अच्छे हैं। तो ये वाले देखते हैं भाई से पता करता हूँ, तेरे भाई क्या पैसे हैं, खीरा दुंदा है, खीरा बच्चा भजन
2,20,000 डिमांड कर रहा भाई, होगा तकरीबन 3 मन का बचा होगा, लेकिन अबलक प्रिंट में है, मोजे भी पहने हुए हैं, अबलक प्रिंट में आ जाता है और कोड सिक्का इसकी बॉडी पे नहीं है। तो मेरी एस्टिमेटेड के मुताबिक 150-160 तक का होना चाहिए और इतने का मे बी मिल भी जाए। तो सिद्दीकुल्ला भाई भी आगे से हट गए हैं कि नंबर उनका मैं क्या लेता, वो भी चले गए। इधर खड़े हैं 2 बड़े बच्चे चोलिस्तानी, फुल जॉइंट डगे की कैटेगरी में आ जाता, ठीक है, ये आ जाता मेल की कैटेगरी में। और यार बड़ी गलत बांधी भी यार, ढीला कर दो उसको थोड़ा सा। ये है जी चोलिस्तानी, मेल का बच्चा है, अच्छा बना हुआ है, कोर सिक्का इसकी स्किन पे है। ये होगा तकरीबन 7 मन के करीब करीब मीट में होगा, क्योंकि भरा खड़ा काफ़ी। इसको लंपी स्किन भी हुई थी और एक दाना मेरे ख्याल में निकला था। ये देखें तो ये रिकवरी मोड पे है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है लंपी स्किन के बारे में भी। तो आप अपनी सबन से खरीदना चाहें मार्केट में। सर जी किसके हैं ये अपने, क्या पैसे हैं दोनों के वजन? 6-7 लाख इसके, 6-7। दांतों में क्या है ये? दांत तो पूरे हैं, दांत पूरे 6-6 हैं। अच्छा नाम क्या भाई का? हबीब। हबीब भाई नंबर दे देंगे? हाँ जी ले ले जी, बताएं। 0301-7518-7500-475। और ये भजन बन कितने में जाएंगे? जैसे आपने डिमांड की 6 लाख या 7 लाख, फिर भी कोई आइडिया दे देना क्या ये कितने में कितने हो जाएंगे, कमी बेची कितनी हो जाएगी? ये फाइनल 4,500 के, 4,500 के दोनों। तो नंबर मैंने भाई का दे दिया, इस भाई का नंबर दिया, तो दोनों किसी को भी कोई भी चीज़ लेनी हो दोनों में से, तो आप ये बछड़े देख सकते हैं 4,500 रुपए के भाई कह रहा फाइनल दे दूंगा। ये 8 मन प्लस है, चीज़ आपके सामने है भाई, डगा का डगरी में आ जाता लेकिन भरा हुआ, जिसको गोश्त ये होता है ना, तो उस हिसाब से ये गोश्त का पहाड़ अच्छा है। साढ़े 4 लाख भी आप थोड़ा बहुत रेट तोड़वाएंगे तो मे भी इसमें भी कमी बेशी आ जाए। तो अपनी कैटेगरी तो अपना लव तो यही है, लेकिन इनके रेट समझ नहीं आते, रेट थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नहीं, खैर ईद ख़त्म हो गई फिर भी रेट्स काफ़ी सारे ऊपर हैं। तो यहाँ पर खड़े हुए हैं 4-5 बच्चे, क्या मांग रहे हो सर जी? लड़ा क्या पैसे? ये वाला और वो लाल वाला, इधर पीछे उड़ना छोटे भाई। और ये दांतों में क्या है? दांतों में ठीक है। सही 10 लाख बड़े ज्यादा पैसे हैं यार, कितने के दोगे फाइनल? फाइनल हुकुम करो, मैं क्या हुकुम करूं, 10 लाख वीडियो बना रहा हूं ना, फाइनल हो जाएंगे ये 8 लाख रुपए के। और ये वाला वाइट वाला भी आपका है? ये वाला इसका भी बता दो 2.5 लाख रुपए। ये वाला भी बच्चा भाई का था, नंबर बताओ साथ अपना। 0300-3386-840-840। तो 8 लाख रुपए भाई फाइनल कह रहा है, इसमें भी कमी बेशी कर देगा जब किसी ने कोई बारगेनिंग करनी होगी। हैं ये खीरे ना दोनों, बल्कि सारे खीरे हैं। नंबर मैंने दे दिया, ये बछड़ा और ये बछड़ा आपको मैंने पहले दिखाया, ये बछड़ा नहीं मतलब ये बंदा, इसके हैं बछड़े, ये भी अपने हैं। अच्छा ये भी सिद्दीकुल्ला का माल ही है तकरीबन, ये वाले भी अगर किसी को ख़रीदने हो तो इसी नंबर पे आप रब्ता कर लेना, ठीक है। और एक बच्चा ये है, इसमें कोड सिक्का है थोड़ा सा, और एक बच्चा ये है। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4.5 लाख रुपये इसकी वजह से सिंगल की डिमांड की थी अभी सिद्दीकुल्ला भाई ने, लेकिन रेट्स काफ़ी ज़्यादा, मेरे हिसाब से 5.5-6 के करीब करीब जोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी मेहनत है, टाइम है, पालना है। तो ये 6 मन के करीब होगा बछड़ा, और वो वाला जो है वो तो वो भी तकरीबन 5.5 मन के करीब होगा बछड़ा। बछड़े की नाफा झालर फेस आप खुद ही देख सकते हो, और एक ही है। तो आगे चलते हैं मज़ीद, जैसे कि मज़ीद बछड़े खड़े हैं हमारी होना भाई। मोहसिन भाई, मोहसिन भाई क्या हाल है? ठीक है मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मांग रहे हो? इन्हा डूहा मांदा उन्हा डूहा पता है मेरे को।
ये जो बछड़ा है ये भी खीरा है, ये भी खीरा है, और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं 1,60,000 कमी पेशी। आप लोग खुद करा लेना, चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और वो जो अबलग टाइप खड़ा हुआ है, सिंगो वाला शूटर टाइप, उसकी 1,00,000 डिमांड है। और ये जो जोड़ी है, ये मोहसिन भाई कह रहे हैं मैं 5,00,000 रुपया फाइनल दे दूँगा। तो अगर आपको याद हो तो इस बच्चे की डिमांड कल भी एक भाई पूछ रहे थे, सॉरी मैं नाम भूल गया भाई का, तो 2,50,000 रुपये भाई कह रहे हैं मैं फाइनल दे दूंगा कल। उनको भी मैंने यही एस्टीमेट दिया था कि 2,40-2,50 तक ही मिल जाएगी। अभी मज़ीद इसमें कमी बेशी करेंगे अगर इस स्किन के साथ मज़ीद बहस की जाए तो। ये बच्चे हैं यार, 5 मंथ के, 4.5-5 मंथ के करीब करीब चीज़ होगी, ठीक है। और ये वाला भी ये ऐसे, ये मेरे ख्याल में पक्का खीरा था, ये अभी बच्चा था, ये वाला हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। तो नंबर मैंने आपको दे दिए, किसी को लेने हो तो भाई आप इनसे खुद ही डायरेक्ट डील करके आप ले सकते हो। बाकी मंडी की सिचुएशन आपके सामने है यार, कोई इतना ख़ास इतना ज़्यादा माल नहीं आया हुआ मुहर्रम की वजह से, वरना ये वाला जो पोर्शन है बड़े जानवरों से भरा ही होता है इस टाइम, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जो नज़र आ रहा है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखो। अच्छा ये मैं कल खिची फार्म का कह रहा था, खिची फार्म नहीं था ये, मुल्तान के ही फार्म है उनका है ये का माल, नाम है बंदे का भूल गया। भजन क्या हाल है, ठीक हो, खैर खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैसे नहीं दे सजी, 4,00,000 मुंह तो के हैं सर चौका, तो इंदा 8,00,000 ये क्या है, ये छिक गए। तो मेरे ख्याल च ई दफ़ा जरा सीजन है ना कामयाब नहीं थी, है ना, लंपी की वजह करो। बाला पाक सबको आसानियाँ पैदा करे यार, सारी तो दुआ है। त्रै जानवर बचे नहीं बे हैं अपने को, त्रै बचे तो इंदे क्या पैसे हैं सर जी, 12,00,000 बन सन कितना जी, मैं इंदे 12,00,000 मंगे कितने ना मिले सी, 8,50,000 रुपए का नंबर दे सो, फोन नंबर 0300-7376-9954 ये नंबर है भाई का, किसी को भी लेने हो मुल्तान में ही ये खड़े में बछड़े, किसी को लेना तो भाई अगर कहेंगे तो मैं आपको फार्म बा विजिट करवा दूंगा, मंडी के करीब ही है ये फार्म। मैं कल कह रहा था खिची फार्म, लेकिन मुझे बंदा ये मैंने नहीं देखा था, उस बंदे को मैंने पहचाना नहीं कल। तो ये वाला सीन है भाई जन, 3,50,000 रुपए का आपको इतना बड़ा बच्चा इस टाइम मिल रहा है, लेकिन ये दांतों में 4 है या 6 है ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल जो सीज़न है वो नहीं लगा। और वो वाला 6,00,000 रुपए कह रहे हैं भाई, ये वाला बच्चा ये 8-8 मन दोनों मन मीट में है, बड़े बड़े बच्चे हैं, वो पहाड़ हैं लेकिन दांतों में भी ये पूरे ही हैं, एक किस्म के आप ढगे समझ लें, क्योंकि मैं ये ढगा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सिंग सिंग काट के इनको सीधा किया होता है। ये देखिए ये है मेल का बच्चा, कमर तो उसने बहुत बड़ी की हुई है, पछड़े की डिटेल्स में जो है वो जाना ज़रूरी है, तकरीबन होगा 12-1 मन 12-13 मन में होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बाद से हमने जो है ना वो क्रॉस के बछड़ों का जो बहुत बड़े बड़े प्रिजन क्रॉस उनके नहीं समझ में आते, बहुत लेंथी बहुत लंबे बछड़े होते हैं तो उनका बास टाइम मुश्किल हो जाता है देखना। तो छोटा माल अभी आगे बस इसी तरह का माल खड़ा हुआ, तो जो मुझसे वीडियो बन सकती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ भाई कि आज क्या माल खड़ा हुआ है मार्केट में। और अगले हफ्ते होपफुली अच्छा माल आएगा, पिछले हफ्ते अच्छा था, इस हफ्ते मुहर्रम की वजह से माल नहीं आया अभी तक, और 10 मुहर्रम आज 8 मुहर्रम है मेरे ख्याल में, तो कल 9 और परसों 10 बैस हो गए। दोबारा नहीं पूछ तो मालूम तो गुस्सा
पैसे क्या हैं सर जी? क्या पैसे हैं? यार अल्लाह मियां से 2 लाख मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए? अल्लाह मियां से मांगे हैं। अल्लाह मियां बंदे से कितने मांगे हैं? बंदे से 31। बंदे से 31। दांतों में खीरा है? खीरा। 70-80 हजार रुपए का इनफ है, इतने का मिल जाता, मिल जाना चाहिए 90 हजार रुपए का, ज्यादा से ज्यादा भी चीज आपके सामने 3.5-4 मन के करीब करीब होगा। साहिवाल वो भी जरा ऊपर खड़ा हुआ तो थोड़ा सा कद में बड़ा लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी हाइट भी इसकी नहीं है। तो ये थोड़ा सा माल यहाँ खड़ा हुआ, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भाई लला क्या पैसे हैं इसके? 25। दांतों में कीरा? कीरा। 1,25,000। तो बछड़े की नाफ और झालर दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन फिर भी इतना कद नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन इससे इतनी ज़्यादा रखी नहीं जा सकती, बिचोले में रहेगा। नाफाज हज़ार अच्छा है। मैं आया। ये देख, ये भी तकरीबन होगा 4 मन के करीब नाफाज हज़ार आपके सामने। और ये बच्चा लंपी से रिकवर हुआ हुआ है, ठीक है। क्या पैसे सर जी? 1,85,000। 1,85,000। खीरा डुंदा 4 और 6। एक बीमारी थी, यही सही थी? साफ ठीक है बिल्कुल। चलो माशाल्लाह 4 है। हाँ जी, चौगा छिगा मतलब एक किस्म का 6 ही हो गया, बिक गया होता ये, लेकिन ये लंपी में आगे फंस गया होगा, सेट हो गया बच्चा। हाँ, तो ये चीज आप मंडी में ला सकते हो, क्योंकि इससे कोई इश्यू नहीं है, ये रिकवर हो गया, माल साफ हो गया, इससे ना बीमारी फैलेगी ना आप इसको दोबारा पकड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर इसमें बीमारी नहीं आएगी ना। बछड़ी, ये बछड़ी कल से, दोनों बछड़ियाँ कल से घूम रही हैं, ये इसके 31, इसके 31, ये वाली 2 दांत है और ये वाली खीरी है, ये वाली खीरी है, ये वाली, ये जा रही है, ये वाली बिक गई है। चलो माशाल्लाह, ये वाली खीरी थी भाई, बिक गई है। चलो माशाल्लाह, कल से घूम रही हैं दोनों बछड़ियाँ इकट्ठी, और अभी फिलहाल होपफुली भाई अल्लाह पाक ने उन्हें रोजी दी। ओए होए, क्या पैसे हैं सर जी? 1,15,000। 1,15,000 जी, 1,15,000 पूरी मंडी भरी पई है। बिना करे सर बोल रहा है। हाँ जी भाईजन, क्या पैसे हैं? बच्चा 1,50,000। खीरा 2 दांत। 1,25,000 रुपया, 1,15,000, 1,20,000। अब जितना भी माल इस पट्टी में खड़ा था मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को टोटल दिखा चुका हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मजीद आगे जाऊँ और आप लोगों को जो है वो वीडियो दिखाऊँ। ये बच्चे को मैंने पहले भी बताया कि रिकवर हो गया, ऐसा माल आप मंडी में लेकर आ सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, मजीद जानवर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। फाइनली भाई कुछ थोड़ा सा माल नज़र आया और इसका रेट पता करते हैं। भैया क्या पैसे हैं? 1,60,000। खीरा दुंदा चौगा क्या सीन है? 1 दांत जमे कर 2 दांत। 2 दांतों में से 1 दांत, मतलब 1 दांत पूरा होगा और 1 अभी नहीं गिराया होगा। तो ये है जी बछड़ा, 1,60,000 तकरीबन, 5 मन प्लस मिनट, 5 मन ही लगा लो आप। पेटल बच्चा थोड़ा सा, बच्चे का थोड़ा सा पेट ज़्यादा है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर चीज़ देखी जाए तो प्रिंट वाइज पैसों के हिसाब से ठीक है। 1,25,30 का बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको सीधा करते करते इधर से थोड़ा सा पेट सही है, उस साइड से थोड़ा सा इसका पेट लमका हुआ, तो ये चीज़ अभी आप लोग ख्याल किया करें, ठीक है। और ये देखते हैं क्या हाल है भजन, ठीक हो? क्या पैसे हैं सर जी? 1,70,000 मांग रहे हैं। 1,70,000 इधर कीजिएगा सर। चलो बस ठीक है, 1,70,000 रुपया गुलाबी बच्चा, इसका नंबर मैं ले लेता हूँ भाई। 2.5 मन का बच्चा भी नहीं है, लेकिन प्रिंट के पैसे मांग रहा है बंदा। सर जी कितने का दे दोगे? डेढ़ का दे दोगे? कोई नंबर है, फोन नंबर? 0300-632-632-6649-6649। तो ये नंबर है भाई का,
भाई कह रहे 1.5 लाख रुपए का मैं दे दूंगा। नोज इसकी कुछ डॉट आ रहे हैं उसमें क्या नाम है पिंक में, ये देखा ना नाक इसका, ये देखा ये वाला डॉट आ गया। बाकी आपकी समझ है, आप अपनी समझ से लेना चाहें तो बच्चा ले सकते हैं। दो बच्चे ये खड़े हैं, ये भी पता कर लेते हैं भाई से, बोला क्या पैसे मांग रहे हो भाई को बताए। अच्छा एक ये भी है, टक्का ना मार, बोला क्या पैसे जोड़िए, 1,10,000 1,10,000 मांग रहे हो हैं, खीरे दुन्ने हैं भजन दो दांत दोनों, ये देखें 1,10,000 1,10,000 4.5 मन प्लस मीट में रेट्स थोड़े से मुनासिब हुए हैं, एक मुहर्रम की वजह से दूसरा कस्टमर नहीं आ रहा, बाकी हिसाब किताब चल ही रहे हैं। नंबर है भजन अपना, फ़ोन नंबर देंगे जी बताएं, 0374 1178 371। ये भाई है भजन जिसके दोनों बछड़े हैं, तो जिसको भी लेने हो नंबर मैंने आपको दे दिया, अपनी जिम्मेदारी पे भाई, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं होगा किसी भी परचेजिंग में। नंबर मैं आपको देता हूँ अपनी मर्जी से, जिसका जिस पे दिल मुतमइन हो आप उनको पे करें। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कोई धोखा कुछ भी होता है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। भाई ट्रक की वजह से वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना पड़ा था, छोटी बछड़ियाँ खड़ी नहीं है इधर, सारी बछड़ियाँ हैं कि ये बछड़े हैं, टोटल क्या पैसे हैं भजन इसके, मैं इधर आ रहा हूँ, ये इधर आ गया, क्या पैसे हैं सर जी 95 और इसके इन दोनों के भाई की, अच्छा दोनों अलग अलग हो, इसके क्या पैसे दोनों के 1.5 लाख रुपया, ये है जी 95,000 रुपये की ये बछड़ी, सही पैसे मांगे 95,000 और 1.5 लाख रुपए की ये बछड़ी, ये दोनों बछड़ियाँ, ये वाला बछड़ा वो उनका है, अच्छा ये बछड़ा जो है वो टक्कर मार रहा पागल, उधरो ये जो बछड़ा है भाई ये है जी दानिश का, चॉकलेट नोज, ये देखें पाँव शाव भी आप देख सकते हो, तो अच्छी तरह डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, रेट वेट इसका अभी मैं पता कर लेता हूँ उधर से जाके। ये थी 1.5 लाख रुपए में दो बछड़ियाँ, मिल जाती हैं छोटी चीज़ें भी मिल जाती हैं, ये खुल रहा है साइड पे जा रहा है, चल भाई चल भाई, क्या हाल है दानिश ठीक है, निज भाई ठीक हो, क्या क्या मांग रहे इसके दानिश, इसके 24 है, 24 का इधर आ जा 2 मिनट, है 24 का दानिश 24 और वो दोनों मेल के बच्चे, वो भी कच्चा खीरा है 24 का, वो 6 दांत हो रहा है, इसके क्या पैसे हैं, इसके 260 2,60,000 देने वाली बात करता जा साथ साथ, कि ये 260 डिमांड है इतने की दे दूंगा 2.25 लाख और ये 6 दांत वाला 3.5 लाख रुपए का, और ये वाला कितने का हो जाएगा, ये तो बाकी ये माल खड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसके क्या पैसे हैं 280 दांतों में खीरा, दांतों में खीरा, और इसके क्या पैसे हो जाएंगे दानिश, ये 2.25 लाख रुपए का फाइनल हो जाएगा। दो बच्चे और भी खड़े हैं, ये भी पता कर लेता हूँ, ये भी मेल का बच्चा है, ये भी मेल का बच्चा, इनके क्या पैसे हैं, 2,40,000 कच्चे खीरे बच्चे हैं, और वो इसको हटा दे रहा, और एक ये है मेल का बच्चा, इसके क्या पैसे हैं, 2,60,000 तो भाई बछड़े ऑलमोस्ट जो खड़े हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए, नंबर बता दे यार 0304 8040 8040 793 793, ये नंबर है भाई जन दानिश का, जिसको बछड़े ख़रीदने हो आप आए अपनी समझ से अपनी मर्जी से जानवर ख़रीदें, ठीक है। बच्चे आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, आगे गायें डगे मतलब इस तरह के बैल आगे जाना मेरे ख्याल में बेकार होगा, तो थोड़े से बच्चे खड़े हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा देता हूँ वीडियो में ना, ये खड़े हैं बच्चे,
ये वाले बच्चे अच्छा पिछले से पिछले दफा जब मैं आया था ईद के ईद की पहली मंडी के बाद तो इधर बच्चे अच्छे खड़े हुए थे। अभी जो खड़े हुए हैं वो मैं आप लोगों को सरसरी तौर पर दिखा देता हूँ। अभी बंदा यहाँ पे है नहीं तो रेट वेट पता चलेगा नहीं। ये देखिए बछड़ी और ये बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। वाइट वाली को लंपी हल्का सा हुआ हुआ ये भी बछड़ी है भाई। तो इसको लंपी हुआ हुआ थोड़ा सा शुरुआत हो रही है तो भाई इसको अलग कर देना चाहिए यार ताकि बाकी जानवर आप सेव कर सको। लेकिन हमारे कुछ भाई कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं दूसरों का भी नुकसान कर ही रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से अल्लाह पाक के करम से ये थोड़ी सी कम हो गई है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में बेहतरी भी आ जाएगी। तो ये जो जानवर थे मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद मुझे कोई अच्छी चीज़ें आती हैं तो वीडियो बनाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो ये था एक छोटा सा विजिट इतवार मंडी का। जानवर मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने ज़्यादा माल नहीं आया, तो जो आया हुआ था वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों तक पहुँचाए हैं, रेट्स वगैरह बताएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।